विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान कार्मिकों का अंतिम दिन का प्रशिक्षण राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान कार्मिकों का अंतिम दिन का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इसके बाद जब उनका ड्यूटी कार्ड जारी होगा तो उनका पूरी पोलिंग पार्टी के साथ ट्रेनिंग संभवतः DDU विश्वविद्यालय में कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदान कार्मिकों को मतदान के रवानगी से लेकर तथा सामग्री प्राप्त करके सामग्री की सही तरह जांच करके वह सेक्टर मजिस्ट्रेट को बताते हैं, जिसके बाद वह संबंधित वाहन में बैठकर अपने वोटिंग स्थल के लिए रवाना हो जाते हैं तथा वहां पर पहुंचकर निरीक्षण करते हैं और कोई कमी पाई जाती है तो वहां पर ड्यूटी पर लगे अधिकारियों के साथ मिलकर उसको पूरा कराते हैं। उन्होंने बताया कि कार्मिकों को EVM मशीन के संचालन सहित वोटिंग कराने की सभी जानकारी दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने कहा, ये जब भी हम मशीन को ऑन करते हैं और ये परमानेंटली चलता रहता है जब तक कि मशीन ऑन है। मशीन को जब हम ऑफ करेंगे तभी ये बुझेगा, ठीक है ना? क्लियर? मशीन को जब ऑन कर देते हैं आप और जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये ग्रीन वाले नहीं होंगे। एक बार इसको इनको ऑन करके थोड़ा दिखाइए। अभी तक का मशीन कनेक्शन करेंगे, अभी सब सात प्रोसेस चल रहा है, कैसे कनेक्शन करके देखिए। आप लोग की पूरी ट्रेनिंग ठीक वैसे ही चलाई जा रही है जैसे आप रवानगी के दिन से लेकर के पोलिंग डे को मॉर्निंग में मास्क कोल कैसे करते हैं, मास्क कोल डन करने के उपरांत आप सीलिंग कैसे करते हैं मशीनों की, फिर उसके बाद रियल कोल कैसे स्टार्ट करते हैं, कराते कैसे दिन भर हैं, फिर शाम को उसका अंत कैसे करते हैं, अंत करने के उपरांत क्या क्या फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या काम करना होता है, और फिर ये सारा करने के उपरांत कुल सभी सामग्रियों को विभिन्न चार पैकेट में तैयार करते हैं, सांविधिक गैर सांविधिक तीसरा पैकेट चौथा पैकेट, और उसको क्लासिफाइड वे में करके ले जाके आरओ टेबल पर सौंपते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सुबह है पोलिंग डे के दिन वो मार्क पोलिंग है, और जितना आप गंभीरता प्रदान करते हैं उसको उससे कहीं बहुत ज़्यादा गंभीर बात है। अगर मार्क पोल फेल हुआ आपका तो आप मार्क पोल सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जरा सोचिए कि यदि सर्टिफिकेट ही फोर फेल हो गया तो इस जिस सिस्टम का सर्टिफिकेट आपने क्रिएट किया क्या इस सिस्टम से आप पोलिंग करा पाएंगे आगे? नहीं करा। तो उसमें जो मार्क और सर्टिफिकेट का कारण नंबर 3 है बेहद संवेदनशील है, जिसको आप रिकॉर्ड करते हैं। अगर उसके प्रत्याशी वार रिकॉर्डिंग में वोट के रिकॉर्डिंग में अगर एक भी वोट कम बेसी हुआ तो आपका सर्टिफिकेट कर देते हैं, जब सर्टिफिकेट फेल करेगा वो ऐसे ही समझिए जैसे कोई हाई स्कूल का बच्चा परीक्षा दे रहा है उसको फेल हो गया, सर्टिफिकेट फेल कर गया, तो क्या उसे अगला काम करने का अवसर दिया जाएगा? नहीं दिया जाता। वही बात इसके साथ 5 बजे स्टार्ट होगी, 90 मिनट पहले पोलिंग स्टार्ट करने रियल पोल स्टार्ट करने का जो टाइम है उससे ठीक 90 मिनट पहले, तो वो बहुत गंभीर है। कारण नंबर 3 जो आप द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, पैड से निकलने वाली जो स्लिप्स हैं उनकी जब काउंटिंग करते हैं तो वो वाला रिकॉर्ड करते हैं कॉलम नंबर 5 में। कॉलम नंबर 6 उसका ये कहता है कि क्या कॉलम नंबर 3, 4, 5 प्रत्याशी वार बिल्कुल ही मैच करता है, तो प्रत्याशी वार हर जगह हाँ आना चाहिए, एक भी नहीं आपको संकट खड़ा कर देगा। तो ये कब ऐसा गड़बड़ होगा? 4-5 बिल्कुल मिलेगा क्योंकि मशीन ने किया है और मशीन हमारी बिल्कुल ठीक ठाक है, मशीन में कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ होगी? हमारे रिकॉर्ड करने में। मान लीजिए किसी प्रत्याशी के पक्ष में 6 वोट पड़ा, असंजोग से मैं 6 की जगह 7 रिकॉर्ड कर दिया या उससे कम 5 रिकॉर्ड कर दिया तो रिजल्ट तो 6 का आएगा, लेकिन हमने रिकॉर्ड किया हुआ 5 तो हमारा सर्टिफिकेट फेल हो गया। तो इसलिए मार्क वो बेहद संवेदनशील है, जब मार्क पोलिंग हो रही हो तो उस समय मशीनों की सिचुएशन ठीक वैसे ही रहती है जैसे रियल पोल के दौरान होती है। मतदाता के कंपार्टमेंट में VVPAT BU रखा रहेगा और VVPAT से निकलने वाली KV PO 3rd के टेबल पर आकर के कनेक्ट हो जाती है। BU की केबल कनेक्ट कर देंगे VVPAT के पीछे, VVPAT से निकलने वाली केबल आगे CU के अंदर। तो रियल बोल के दौरान जो मशीनों की पोजीशनिंग है ठीक हो वही पोजिशनिंग मार्क बोल के दौरान भी होगी मशीनों की। उसके बाद कनेक्ट करते हैं और इस VVPAT के पीछे काला नाप जो ऊपर लगा है उसके उसको 90 डिग्री घुमा दीजिए,
ये सवाल नहीं है कि उसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है, क्लॉक वाइज जैसे आप चाहें वैसे घुमा दीजिए उसको। 90 डिग्री खड़ा हो गया तो खड़ा जब हो जाएगा तभी वीवीपैट काम करेगा, अदरवाइज वीवीपैट नहीं काम करेगा। और लेटे हुए स्थिति में यदि आपने मशीन को ऑन कर दिया तो वीवीपैट काम नहीं करेगा, और यह भी संभव है कि वीवीपैट उसके वजह से खराब भी हो जाए, तो फिर आपके पास दूसरा वीवीपैट नहीं है, आप अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेंगे। तो ये मोस्ट सावधानी है, मशीनों को कनेक्ट करिए, कनेक्ट करने के उपरांत उसका वीवीपैट का जो नाव है वर्टिकल कर दीजिए, तब मशीन ऑन करिए, तो उसमें सात करके जो कट करके गिरती है उसको गिरने दीजिए। तो ये इसका कनेक्शन और इसकी पोजीशनिंग है मशीन की। ये गलती नहीं करेंगे माप पोल के समय कि कई टेबल है इसी पर तीनों यूनिट लेके बैठ गए और यही गैदरिंग कर लिया होगा अब करताओं का। इस बार वीडियोग्राफी हमारा भारत निर्वाचन आयोग हर बूथ का करा रहा माप पोलिंग के दौरान, तो अगर उसमें आपको आपको निष्पक्ष पारदर्शी और जो आयोग के नियम दिशा निर्देश हैं उसका पालन करते हुए दिखना होगा आपको। वहाँ पर जो पोलिंग कराएंगे अभिकर्ताओं से तो उनके वो मास्क कंपार्टमेंट में पीओ फर्स्ट रहेंगे, और बाकी जो अभिकर्ता हैं वहीं जहाँ पोल करना है वहीं से लाइन लगवा दीजिए उनकी। तो लाइन लगवा दीजिए, पहले वाले को बोलिए कि आप वोट डालो, फिर ये डालेगा तो एक पीछे चला जाएगा दबाएगा वोटर, तो पीओ फर्स्ट जिनको आपने वहाँ लगा रखा है वो सिर्फ ये बोलेंगे जैसे मान लीजिए 3 नंबर लगवाया, तो जब वो बोलेंगे तब यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है कॉलम नंबर 3 में 83 नंबर 3 के सामने, वोट वहाँ दबाना और मशीन में वोट रिकॉर्ड होना पड़ेगा। पर्चियाँ दिखने के बाद कट के ड्राफ्ट बक्सवा में गिनती है, तो पर्ची का दिखना कटना और ड्राफ्ट बॉक्स में गिरना दिखा फटकट के गिरा नहीं, इसका मतलब है वोट नहीं पड़ा, और फिर सीयू में भी रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक फट के नहीं गिरता रिकॉर्ड होता। तो जब सीयू का बत्ती लाल वाली जो बीजी बताए आप तभी शुरू किया अभी शुरू हुआ है तो उसमें बीजी लैंप होता है लाल, अभी डिटेल बताएंगे वो बीजी लैंप जब तक पीओ थर्ड के टेबल, ये नहीं उसने बोल दिया नंबर देना और आपने खड़ी बाइक ली थी, नहीं बोलने के 10 सेकंड लगेगा टाइम, वो पर्ची कट के गिरेगी 3 सेकंड इसमें स्टोर होने में लगेगा और फिर आप 83 नंबर 3 के पर्ची में खड़ी बाइक। इसी तरह 83 नंबर 3 के पक्ष में यदि दूसरा कभी वोट पड़ेगा तो उसी खड़ी बाइक के ठीक बगल में दूसरी खड़ी बाइक, फिर अगर कोई तीसरा उसी के पक्ष में पड़ा तीसरी खड़ी पाई, चौथी खड़ी पाई, अगर पांचवा वोट भी पड़ गया तो 4 खड़ी पाई हो गई, और इसके ऊपर बैकवर्ड डायगोनल थी। जो लोग टैली मार्क वाला पढ़े होंगे कहीं वो जान रहे हैं कि क्या है, तभी 5 का बंडल हो गया, 4 खड़ी पाई और ऊपर बैकवर्ड विकर्ण, तो जब बैकवर्ड विकर्ण थी वो 5 हो गया। मैं मनोज कुमार गुप्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर जनपद गोरखपुर। जैसा कि पहले से ही चल रहा है विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 जनपद गोरखपुर के विभिन्न 9 विधानसभाओं में लगाए गए मतदान कार्मिकों के प्रथम चरण का उनके प्रशिक्षण का आज अंतिम दिन है। इसके बाद जो अब दूसरा उनका ड्यूटी कार्ड जारी होगा दूसरे रैंडमाइजेशन के बाद, तो उसके बाद पूरी पोलिंग पार्टी के साथ उनकी ट्रेनिंग संभवतः यूनिवर्सिटी गोरखपुर के अंदर कराई जाएगी। क्या क्या जानकारियाँ? हाँ, इस दौरान इनको मतदान से रिलेटेड जितना भी रवानगी के दिन से लेकर के रवानगी के दिन इनको आरओ टेबल पर पहुंचना होता है, वहां से सामग्री प्राप्त करनी होती है, उसके पश्चात सामग्री की भली भांति जाँच करनी होती है मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से। जांच की संपुष्टि हो जाने के बाद वो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को बताते हैं, फिर संबंधित वाहन में बैठ करके अपने डेस्टिनेशन बूथ के लिए रवाना हो जाते हैं, वहां जा कर के फिर वो निरीक्षण परीक्षण वहां बूथ का कर लेते हैं, कोई कमी है तो संबंधित जो वहां ड्यूटी में लगाए गए हैं बूथ के निर्माण के लिए उनसे मिल करके उसको पूरा करा लेते हैं, फिर रात को खा पी करके सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो मॉक पोल पोल डे के दिन सुबह मॉर्निंग में 4 बजे जग जाते हैं अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर के, फिर ठीक 5:30 बजे वो मॉक पोल के लिए अभिकर्ताओं के साथ मशीन की सही पोजीशनिंग इत्यादि कैसे की जाती है, कैसे मॉक पोल कराया जाता है, मॉक पोल सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा चीज़ करते हुए वहाँ पर अपनी पीठ के साथ बैठते हैं और मॉक पोल कराते हैं। मॉक पोल के बाद मशीनों की सीलिंग का प्रोसेस होता है, सीलिंग इत्यादि बताया जा रहा है, फिर उसके बाद एक्चुअल पोलिंग कैसे स्टार्ट की जाएगी
एक्चुअल पोलिंग स्टार्ट करने से पहले मशीन का स्टेटस शून्य होना ही चाहिए, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जा रहा है उनको। तत्पश्चात दिन भर रियल पोलिंग कराएंगे, फिर शाम को मशीन से क्लोज कर देंगे, उसके बाद मशीन में हमारे मतदान नहीं होता है। उसके बाद मशीनों को कैरेज केस में डाल के सील किया जाता है, फिर 17C मतों का लेखा इत्यादि और भी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, कुल 4 पैकेट बनाने होते हैं, सांविधिक लिफाफों का पैकेट, गैर सांविधिक लिफाफों का पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट, और इस रूप में क्लासिफाइड वे में ले जा करके फिर उसी आर ओ टेबल पर जहाँ से सामग्री रवानगी के दिन मिली थी ले जा करके सुव्यवस्थित क्रम में जमा करना होता है। इस प्रकार उनके मतदान की पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही है और इस प्रकार से प्रशिक्षण का कोई भी स्टेप न छूटे, ये हमारे विभिन्न 1 से लेकर 26 कमरों में हमारे मास्टर ट्रेनर्स लगाए गए हैं जो काफ़ी काबिल हैं उसके लिए, जो अपनी पूरी ट्रेनिंग तन्मयता के साथ दे रहे हैं, और पीठासीन अधिकारी और PO फर्स्ट बिल्कुल तन्मयता के साथ अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं।